दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना नीमच। मैं हूं संजय यादव। जैसा कि हम जानते हैं, नगरी निकाय चुनाव अपने पूरे उफान पर है। पिछले 5 साल वार्डवासियों को कौन सी सरकार ने कितना संतुष्ट किया और अब क्या चुनावी वादे लेकर आए हैं, चुनावी हलचल को हम लोग वार्ड में पहुंचकर बारीकी से जानेंगे। बने रहिए अपना नीमच के साथ। बस ये नाली और ये रोड की, बस इसकी समस्या और तो कुछ भी नहीं। बस हम तो ये चाहते हैं ये बन जाए तो हम आराम से रहें। बहुत सालों से मतलब बहुत परेशानी में रह रहे हैं। आज हमें इतना टाइम हो गया, हम खुद ही संगम कर रहे हैं। मतलब किसी से वो नहीं कह रहे कि तुम आकर करो, और हम कोशिश भी करते हैं, कोई आता ही नहीं है हमारे यहाँ, तो कहने से कुछ मतलब ही नहीं है। 181 पर फ़ोन लगाते हैं, अपना खुद ही सुझाव हो जाता है। किसी को परेशान करना मतलब ही नहीं। ज़्यादा परेशान करते हैं तो लोग बाग आरोप लगा देते हैं हमारे ऊपर, थाने कचहरी हो जाते हैं। दो दो तीन तीन दिन तक थाने में जाते हैं हम। इसलिए हमने हाथ जोड़ लिए, हमारा काम हम खुद ही करते हैं। इसलिए मैं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। उनको क्या मतलब, भले हम भले गंदे में पड़े रहें, इससे कोई मतलब नहीं है। उन बस वो जीत के चले जाते हैं और आकर दूसरी दाम फटकते भी नहीं है कि हम जाएं देखें वहाँ के लोगों की कंडीशन, मतलब कैसी है कैसी नहीं है। कोई आकर भी नहीं देखता यहाँ पर, भले हम नाली में पड़े रहें या कुछ भी, लेकिन कोई हमको नहीं देखता आकर, क्योंकि हमारे ऊपर जो बीती है हम जान रहे हैं। हम गेटों तक पानी में रहिए, यहाँ पर निकास भी नहीं है पानी जाने का कि कहाँ जाएगा। हमारे बच्चे परेशान होते हैं स्कूल जाने के लिए, काम पर जाने के लिए छुट्टियाँ बन जाती हैं। हम तो हमारा तो ये कहना है, देखिए भले कोई भी जीते, हम तो उससे संगम करेंगे कि हमारा रोड और ये नाली बनवा दिए। हमको कोई मतलब नहीं है किसी से, बस यही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है गुड्डी भाई, 6 नंबर। ऐसा है कि आप, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और अपने वार्ड की स्थिति देखी। कुछ ये रोड की समस्या है और एक नाली की समस्या है, ये दो समस्याएं मेन समस्या है जिसको मतलब विगत 5 सालों में समस्या आ रही है, पूरी नहीं हो पाई। क्या इन दौरान जनता से मिलने के लिए जनप्रतिनिधि? वो तो ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते, काम तो करवाए हैं, बहुत से काम करवाए हैं। जैसे एक हमारा जो माननीय भवन है उसमें रिनोवेशन करवाया था, और भी जैसे हमारे यहाँ कुर्सियाँ लगवाई हैं मंदिर के इधर, तो इस तरीके से क्या काम है? बस काम यही है कि एक रोड और एक नाली, क्योंकि यहाँ पे बारिश में आने के बाद में स्थिति बहुत विकट हो जाती है, और इसी बात को लेकर बैठी हुई कि जो भी प्रत्याशी जीते उससे सिर्फ रोड और नाली। यह है कि यहाँ एक काफ़ी समय से पीछे एक नातूखेड़ी है, यहाँ पे सड़क की नाली की बहुत बड़ी समस्या है। अभी बारिश का समय चालू हो गया है, कीचड़ बहुत भयंकर रहती है वहाँ, तो सबसे पहले प्राथमिकता से उस चीज़ को करने का पूरा 100% प्रयास करूँगा मैं कि वहाँ पे सड़क और नाली का निर्माण हो जाए। वहाँ बिजली के खंभे नहीं है, वहाँ बिजली के खंभे वगैरह लग जाए, और गरीब लोग जो है, जैसे बहुत से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल पा रही है, उनको प्राथमिकता से लेके काम करूँगा। और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में इंदिरा नगर एरिया भी आता है, यहाँ पे कुछ 3-4 गार्डन हैं जहाँ की हालत बहुत दयनीय हो रही है, तो वहाँ कुछ अच्छे पेड़ वगैरह लग जाएँ, बच्चों के लिए झूले चक्री वगैरह की व्यवस्था हो जाए, इस तरह का मैं प्रयास करूँगा। और पिछले पूर्व में काफ़ी समय से मैं इस वार्ड में और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय हूँ, जिसको जो भी ज़रूरत लगी है उन लोगों की मैंने समय पर मदद की है, और मुझसे जो बना है उसमें हर समय दुख सुख में उनके लिए खड़ा रहा हूँ। और मेरे समाजजनों का बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे लिए, और समाजजन चाहते हैं कि समाज से एक युवा
सामने आए और समाज की भाग दौड़ को अपने हाथ में ले और जो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी कमियां हैं उनको पूरी करें। इनमें से एक हमारे अंबेडकर मांगलिक भवन है यहाँ मोहल्ले में। हमारे आसपास के जो गरीब परिवार है, मैं खुद भी गरीब परिवार में चाहता हूँ, हमारे कुछ भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो काफ़ी सस्ते में वहाँ उपलब्ध हो जाए वो, और उसकी हालत थोड़ी ख़राब है तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा पूरा कि उसको बिल्कुल अच्छे से पूरा नया हो जाए, रंगाई पुताई हो जाए, पंखे खिड़की लाइट वगैरह लग जाए, गेट लग जाए और चौकीदार बैठ जाए। एक वहाँ पानी की ट्यूबवेल की आवश्यकता है, उसका भी मैं प्राथमिकता से काम करूँगा। इस तरीके के अनेक ऐसे काम हैं जो यहाँ बाकी है जिनके ऊपर मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, बस मुझे यहाँ की जनता आशीर्वाद बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे रही है। इंदिरा नगर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, सब लोग मुझसे परिचित हैं, मुझे जानते हैं। कोरोना के समय में भी मैंने यहाँ लोगों की मदद की है तो यहाँ की जनता के लिए मैं नया चेहरा नहीं हूँ, मैं उनके समय साथ में काफ़ी समय से रह रहा हूँ, सामाजिक काम में भी सम्मिलित रहता हूँ, अच्छे बुरे हर प्रकार के काम में मैं उनकी मदद करता हूँ। वो लोग मुझे पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। और दारा सिंह यादव, वार्ड क्रमांक 6। मैं अपने वार्ड के विकास के लिए बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो पूर्व में, जैसे रोड की समस्या हो गई और एक गार्डन समस्या है और हमारे जो मांगली भवन है उसका भी जीर्णोद्धार बाकी है, काफ़ी समय से बाकी चल रहा है। और इंदिरा नगर में भी हमारे एरिया है वहाँ पर भी बहुत सा ऐसा है कि जिस बार से दो बार से भाजपा सरकार रही जिनके पार्षद है और जब कार्यकाल रहा 10 से 13 साल में रहा है, जो कोरोना महामारी से आगे बढ़ गया उसकी वजह से भी मतलब वहाँ भी एक बार भी पार्षद कभी गया नहीं, वहीं से लोगों की समस्या पूछते हैं। जैसे मैं अभी बहुत सी बार जा रहा हूँ प्रचार के लिए मतलब मिलने तो लोगों की, लोगों ने यही कहा कि कभी हमने यहाँ के पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी, उनको याद ही नहीं किया कि पार्षद कौन, वोट मांगने के बाद कभी गया ही नहीं। नगर का वार्डवासियों ने मुझे समस्या बताई तो बहुत सी नालियों के काम बाकी हैं, आप भी देख सकते हैं ऊपर तार के लोअर क्योंकि तार जो पुराने तार थे वो तार लगे हुए हैं, वो भी सही कराने हैं। बहुत सी समस्याएं हैं नालियों की है, छोटी छोटी समस्या है, राशन कार्ड है और जो एक मुख्यमंत्री आवास योजना थी उसमें से भी बहुत से लोग परेशान हैं, इनका पेमेंट अटका हुआ है, कहीं मिल नहीं रहा है, कोई आपात में आ गए हैं, उनकी भी समस्या है। मैंने सभी योजना ये बनाई है जैसे अपन अगर बहुमत में अपनी सरकार मतलब बनती है नगर पालिका परिषद को सबसे पहले वार्ड का विकास करूँगा, यहाँ पर लोगों की समस्या वो उसके लिए काम विकास करूँगा, रोड वगैरह बनवाई की समस्या है तो कोई समस्या जनता की मांग यही है कि टाइम से काम हो जाए, अभी बहुत से काम पेंडिंग पड़े वो काम हो जाए और आप समय से आओ। वार्ड वासी मेरा नाम दिनेश कदम, वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस।